संसार को मानवता का संदेश देने वाले महाकाली तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गूंगों को जवान, भैरव को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान और कस्तूरबा को पतिदान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और शिक्षा की जनक माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए यहाँ बहुत सारे लोग मंच पर बैठे हैं और मुझे भी सुनते रहते हैं बार बार, मैं लायक तो नहीं हूँ क्योंकि मैं करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो आप सबको समिति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, तहे दिल से शुभकामना और निमंत्रण पत्र भी है कल कि आज 3 मार्च है और हमारे मिशनरी साथी भी बैठे हैं और आप सब लोग भी समिति में काम कर रहे हैं। तो मेरे सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज के दिन करा क्या था? मैं 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, नहीं 1 मिनट दिया तो खड़ा नहीं करो, नहीं किसी को बोल दो। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, देश के अंदर लाखों संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर का कार्य होना चाहिए वो बहुत कम होता है। 3 मार्च 1930 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन काला राम मंदिर सत्याग्रह करा था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारे बड़े भाई बहन बैठे हैं तरण जी या और साथी, आज ही के दिन, मैं 2 दिन से वीडियो कवर कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे मोदी नगर जाना, उन्होंने की भी ऐसी मीटिंग है आज समाज के विद्वान लोगों से कि हम होली, दिवाली, रामनवमी या जो भैया दो या छोटे पचोटे कुछ साल भर पहले जानते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किस डेट पे क्या कार्य करा उसकी नॉलेज हमें नहीं है। हम समिति बना रहे हैं, हम संगठन बना रहे हैं और हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए सभी लोगों का साधुवाद है। देश के अंदर जितने भी युवा कार्य कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। पहले तो लोग बोलते नहीं थे, आज कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, तो उनकी बुराई ना करें, हम उसे बढ़ाने का प्रयास करें। हम सब लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्रतिदिन 1 पेज डेली पढ़ना चाहिए। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, मैं भी माइक लेकर घूम रहा हूँ, सम्मान एक अधिकार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे पहली लड़ाई थी सम्मान की, उसके बाद कुछ था। 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने धोखा दिया, और 4 आदमियों को पढ़े लिखे उसमें से फोन करा, उनका भाई आप बताइए आज क्या डेट है, तो कही 3 मार्च है, क्या करा बाबा साहब ने, उनका जी विषय बता दो जब बोल देंगे, विषय बताऊंगा मैं जब वो बोलेंगे, तो मगर उस बात को मैं खुद ही ना बोल दूंगा। तो इसके लिए तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आज का जो समारोह है उसके लिए हार्दिक शुभकामना है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग आमंत्रित हैं। 17 मार्च को बागपत के अंदर 50 गांव का समारोह करने जा रहा हूं, पूरे 50 का। आज का टाइम है, आज के बाद व्हाट्सएप या फेसबुक पर मिलूंगा और कल से प्रचार पे निकल जाऊंगा गांव गांव, क्योंकि मैं वहां काम करता हूं जहां कोई काम नहीं करता, यहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में, इस गली में, उस गली में, अगर इनके नेताओं को बैठा दूं, लीडरों को, तो एक साथ बैठ नहीं सकते, और वैसे कहते हैं हम एक हो जाओ, तो ये हमारे लिए वो है। बहुत बहुत धन्यवाद समिति को भी, बहन जी को भी, और वक्तागण इसके अंदर छाटे गए हैं बेहतरीन, जो 365 दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर काम कर, एक दिन नहीं 365 दिन, यहाँ मैं कुछ कह रहा हूँ तो वहां भी वो कुछ कह रहे हैं। इसी के साथ किसी का दिल दुखाओ समिति का, उसका मैं जो है क्षमा चाहता हूँ, अध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामना है कि वो समिति को बढ़ाएं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब की विचारधारा बढ़ाएं, ना कि व्हाट्सएप फेसबुक में, फेस टू फेस, हम फेस टू फेस मुलाकात करते हैं, फेस टू फेस, यानी